एवरीवन, एक गुड न्यूज जो आ रही है, जो यूके दे एस्पिरेंट्स ने, जो यूके वीजा लगाना चाह रहे हैं, वेदर इट इज स्टडी वीजा, वर्क परमिट, तो एक तुसे टर्म सुनी होनी है जिसनों कहते हैं IHS, यानी कि इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, जो यूके दे वीजा लगाने वाले नू पे करना पैदा है यूके दी गवर्नमेंट नू। तो रिसेंटली ये न्यूज सी कि 16 जनवरी तो यूके गवर्नमेंट IHS वधा रही है, जो कि हुन प्रेजेंटली अगर स्टूडेंट की गल करिए 470 है, ते एक वर्क परमिट वाले वास्ते 624 pounds है। सो एज वी नो कि 16 जनवरी तो वध के स्टूडेंट वास्ते 776 ते एक वर्क परमिट या फिर एक होर एडल्ट वास्ते आपां कह सकदे हां 1035 होण वाला सी, बट ये कुछ राहत आई है कि इस चीज नूं हले फिलहाल तक रोक दिता गया है टिल 31 जनवरी। ते जे हुण तुसी अपना वीजा लगवाना जा रहे हो द नेक्स्ट पॉसिबल इनटेक वास्ते, तो इट इज अ राइट ऑपरचुनिटी कि तुसी हुण अपना वीजा लगवा लो, बिकॉज हले तक ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि 31 जनवरी तो अगे जाएगा। फिलहाल 31 जनवरी तक ही इस नूं होल्ड किया गया है। जो कि न्यू टर्म्स आ रही ने उन्हां दे विच तुहाडा स्टूडेंट या फिर एक बच्चे वास्ते तुहाडा IHS जो रहेगा वो रहेगा 776 pounds, एंड फॉर द एडल्ट्स और द वर्क परमिट्स दैट दे आर अप्लाइंग फॉर विल बी 1035। ऑफ कोर्स इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स ऑल्सो, इफ वेदर यू आर टेकिंग 3 years कोर्स और यू आर अप्लाइंग फॉर द 5 years वीजा, दैट डिपेंड्स द फीस डिपेंड्स ऑन योर लीव ग्रांटेड बाय यूके। उम्मीद है कि तुहानू ये वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा जानकारी वास्ते यूके दी फाइलिंग, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी फाइलिंग बारे तुसी सानू कंसल्ट कर सकते हो नीचे दिते हुए नंबरां ते। दिस इज हरसिमरन साइनिंग ऑफ, बाय।